स्वर्ग की अप्सराएं बड़ी ही सुंदर होती हैं। एक समय की बात है कि स्वर्ग की इन अप्सराओं को अपनी सुंदरता के ऊपर इतना घमंड हो गया था कि वह किसी भी देवता को कुछ नहीं समझती थी। यह बात जब ब्रह्मा जी को पता चली तो उन्होंने एक ऐसी कन्या का निर्माण किया जो अप्सराओं से ही नहीं बल्कि पूरे संसार में सारे प्राणियों से ज्यादा सुंदर थी। उस कन्या की खूबसूरती के कारण ही उसका नाम अहल्या पड़ा। अहल्या की खूबसूरती को देखकर स्वर्ग की सभी अप्सराओं का घमंड चूर हो गया था। वह अहल्या अभी छोटी कन्या ही थी परंतु वह इतनी खूबसूरत थी कि देवराज इंद्र उसे भविष्य में अपनी पत्नी के रूप में देखने लगे थे। परंतु परमपिता ब्रह्मा ने उस कन्या अहल्या को उस समय के सबसे तेजस्वी महर्षि गौतम के पास अपनी धरोहर के रूप में रख छोड़ा था। अहल्या महर्षि गौतम के आश्रम में रहकर समय आने पर जब पूर्ण रूप से वयस्क हुई तब सभी बाहुबली देवता राक्षस नाग और मनुष्य उसे अपनी पत्नी बनाने का सपना देखने लगे थे। परंतु इनमें से किसी का भी साहस उन तपस्वी गौतम के आश्रम में जाने का नहीं होता था क्योंकि उन सभी का बाहुबल महर्षि गौतम के तप के सामने कुछ भी नहीं था। जब अहल्या युवा हुई तो महर्षि गौतम ने परमपिता ब्रह्मा जी की उस धरोहर को उन्हें वापस लौटा दिया। अहल्या के वापस आने के बाद ब्रह्मा जी यह सोचने लगे कि मैं अहल्या का विवाह किसके साथ करूं? तो उन्हें इस सारे जगत में कोई देवता नाग और मनुष्य अहल्या के लायक नहीं दिखाई दिया। तब ब्रह्मा जी को महर्षि गौतम याद आए क्योंकि उनके मन में अहल्या के साथ रहकर भी कोई विकार नहीं आया था। इसलिए ब्रह्मा जी ने गौतम ऋषि के इंद्रिय संयम को देखते हुए उन्हें ही संसार का सबसे श्रेष्ठ पुरुष माना था और उनको अपने पास बुलाया। फिर इस अहल्या को इस बार उन्हें पत्नी के रूप में सौंप दिया। ब्रह्मा जी के इस निर्णय से देवराज इंद्र बहुत ज्यादा दुखी हुए थे क्योंकि वो अहल्या को अपनी पत्नी बनाने का विचार कर चुके थे। इसलिए उन्होंने एक दिन छल से जब गौतम ऋषि अपने आश्रम में नहीं थे उस समय गौतम ऋषि का रूप बनाकर उनके आश्रम में अहल्या के पास पहुंच गए और अहल्या के साथ यौनाचार कर डाला। इंद्र जब यह कुकर्म करके वापस स्वर्ग जा रहे थे तभी गौतम ऋषि अपने आश्रम में वापस आ गए। उन्हें देख देवराज इंद्र वहां से भाग खड़े हुए। महर्षि गौतम ने अपने ही रूप के एक प्राणी को भागते हुए देखा तो उन्होंने अपने तपोबल से इंद्र की सारी करतूत का पता लगा लिया। उस करतूत पर महर्षि गौतम को बड़ा क्रोध आया और तब उन्होंने इंद्र को कई श्राप देते हुए यह श्राप भी दिया था कि देवराज इंद्र की इस करतूत के कारण मनुष्य लोक में भी ऐसा दुराचार होने लगेगा क्योंकि इंद्र ने इस दुराचार का सूत्र पात्र किया है। इस कारण जो भी मनुष्य ऐसा पाप करेगा उसके आधे पाप का भागीदार स्वयं देवराज इंद्र होंगे।